योगी सरकार में चल रहा सिर्फ दबंगों का बोलबाला, पुलिस नहीं कस पा रही उन पर नकेल। दबंग दिखा रहा है अपनी दबंगई। दबंगों द्वारा करीब किसान के खेत में धान की लगी हरी भरी फसल पर फसल नष्ट करने की दवा का छिड़काव करके फसल को नष्ट कर दिया गया, तो वहीं गरीब किसान अपनी फरियाद को लेकर के थाना व तहसील के चक्कर काटते काटते थककर मजबूर होकर बैठ गया और उसको नहीं मिल पाया न्याय। ऐसा ही प्रकरण देखने को मिला यूपी के डिस्ट्रिक्ट बाराबंकी तहसील सिरौली गौसपुर थाना कोतवाली बदोसराय क्षेत्र के गरीब किसान रामविलास निवासी ग्राम डड़का पूर्वा मजरे मीरापुर। गरीब पीड़ित किसान रामविलास का कहना है कि मेरे खेत में लगी धान की फसल को दिनांक 3 व 4 अगस्त 2018 की रात में गांव के विपक्षी रामराज कन्हैयालाल पुत्रगढ़ स्वर्गीय शिवपाल और रामू श्यामू पुत्रगढ़ रामराज एवं सोनू आदि द्वारा विपक्षी लोगों ने फसल में चोरी से फसल नष्ट करने की दवा का छिड़काव करके लगभग 5 बीघा धान की संपूर्ण फसल को नष्ट कर दिया, जिससे हमारी तकरीबन 1 लाख की क्षति हुई है, जिसके संबंध में हमने कई प्रार्थना पत्र तहसील अधिकारी व थाना प्रभारी महोदय बदोसराय को दिया, लेकिन अभी तक थाना प्रभारी महोदय द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। पीएलएल न्यूज़ के लिए बाराबंकी से विजय सिंह की रिपोर्ट। दिलीप कुमार, रक्का पुरवा, मजरे मीरापुर, थाना बदोसराय। क्या समस्या? धान में दोबारा राउंड अप पड़ गया है। किसने डाल दिया? कन्हैयालाल रामराज रामू सामू। एक बार पहले डाला था, उसके बाद कुछ हरिया गया था, दोबारा फिर डाला है। जो राउंड अप आपके खेत में जिन्होंने डाला है, उनके खिलाफ आपने थाने पे या कहीं प्रार्थना पत्र दिया? थाने में दिया था, तहसील दिवस में दिया था, कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिस पर कोई कार्रवाई अभी नहीं हुई। फिर उच्च अधिकारी को आपने प्रार्थना पत्र नहीं दिया? नहीं, बाराबंकी में दिया था। किसको दिया? डीएम कुमार। कितने दिन पहले? अरे कम से कम 15-20 रोज पहले दिया था। फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई? अभी नहीं। के बीघा का चेक होगा? ये 1220 हज़ार का। कितने के बीघा होगा? 1220 हज़ार है। इन सब का 1,00,000 है, 4 रूम में 15। योगी जी कह रहे हैं भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है और भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा है भ्रष्टाचार खत्म होता है और भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। कुछ प्रशासन को प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं की है। हमने 15 दिन पहले दिया था प्रार्थना पत्र डीएम को और थाने में, कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। योगी जी की सरकार में क्या समस्या आता था आपको? योगी जी की सरकार में कोई कार्यवाही नहीं हो रही है साहब, ना यहाँ से ना वहाँ से, थाने के कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और वहाँ से कह रहे हैं कि सब कुछ हो रहा है, खत्म हो रहा है, लेकिन कुछ यहाँ मानता नहीं, उनकी कही हुई बात कोई माना नहीं। सब भ्रष्टाचार बढ़ते जा रहा है, क्राइम बढ़ते जा रहा है। क्या नाम दादा आपका? राम विलास। कौन सा गांव है? डड़का पुरवा। क्या समस्या है आपकी? हमारे खेत में रंगदार बहन साहब धान सब सूख गया। किसने डाल दिया रंगदार? कन्हैयालाल रामराज। कन्हैयालाल रामराज रामू श्यामू। रामू श्यामू। इन्होंने रंगदार आपके खेत में क्यों डाला? ये हमारे पहले नापाई पैमाइश थे, तो उनके हम मतहत में आए हुआ खेत, हम कमिश्नर से आदेश लिया, तो बस हम जितन बोए ना वही रंजिश में हम डाल दें। अच्छा, राउंडअप जिन्होंने डाल दिया उनके खिलाफ कोई प्रार्थना पत्र आप थाने पे दिए? हाँ दिए। कोई कार्रवाई हुई थाने कुछ पे? नहीं।
एफएल दिवस में दिया था, ये कार्रवाई हुई इस पर? नहीं हुई। कितना फसल आपका नष्ट हुआ होगा? 3 बीघा है कम से कम। 3 बीघा है, 3 बीघा है लमसम।